हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप देख सकते हो फिलहाल मैंने आ गया और गाइस क्या ही बोलूँ, आज कोई भी व्लॉग नहीं वाले होने वाला, फिर भी मैं बताते रहूँ गाइस मेरी जिंदगी ना झंड हो चुकी है, क्या ही बोलूँ। जो सोचा था वो तो कभी हो ही नहीं रहा है, नहीं सोचा था वो अनएक्सपेक्टेडली मेरी लाइफ में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा है, क्योंकि मैं सूरत से इधर आया हूँ, काफ़ी सपने लेके काफ़ी टाइम लेके और गाइस वो एक भी पुरानी हो रहा है और अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ हो रहा है और गाइस क्या ही बोलूँ, जिंदगी झंड हो रखी हो और कुछ नहीं गाइस और आगे क्या होने वाला है वो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। इस व्लॉग में नहीं, आगे और वो अपलोड होगी उसमें मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना डीमोटिवेशन अंदर से आ रहा है कि बात ही मत पूछो। मन करता है कि अब यूट्यूब भी छोड़ दूँ, दो साल से कर रहा हूँ अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन गाइस छोड़ भी नहीं सकता है, अब लास्ट उम्मीद यूट्यूब ही है और सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा है, कुछ तो एक्सपेक्टेड वाला नहीं हो रहा गाइस। और गाइस क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा, लेकिन गाइस काफ़ी मेरे ड्रीम टूट रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, लेकिन गाइस अब क्या ही कर सकते हैं। चलो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और गाइस मेरे साथ जो भी अभी फिलहाल प्रॉब्लम समस्या आ रही वो आपके साथ में शायद शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटे भी नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए चलो गाइस आगे आपको बता दूंगा बहुत जल्द, लेकिन अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन चलो गाइस तो माहौल कुछ इस तरह का हो रहा है। सो गाइस उस फिलहाल इस वीडियो को मैं थोड़ी बहुत मेरी परेशानी आपको समझ आई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इतना बता देता हूँ कि 8th क्लास के बाद मेरी मुस्कान कहाँ चली गई है, मुस्कुराहट कहाँ चली गई वो पता ही नहीं चल रहा है, मुस्कान सॉरी बोल दिया, मुस्कान का नाम लेते हैं, मुस्कुराहट आ गई, हो गया और गई, मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस अभी फिलहाल बज रही है अच्छी और गाइस इस व्लॉग को मैंने 7 days पहले बनाया था, इस वीडियो को व्लॉग नहीं सॉरी गाइस, और गाइस 8th क्लास के बाद मेरी मुस्कुराहट कहाँ चली गई पता ही नहीं, बस ऐसे ही मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि जो लाइफ में सोचा था वो कभी हुआ ही नहीं, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा है, इसलिए वीडियो बनाई थी और उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, इसलिए हम थोड़ा बहुत इमोशनल टाइप का ये वीडियो था, लेकिन इतना भी इमोशनल नहीं है। सो वही चलो गाइस अभी फिलहाल इस वीडियो को ऑलरेडी एंड तो कर ही दिया, लेकिन अभी फिलहाल 7 days बाद इसको एडिट कर रहा हूँ, सो वही एडिट हो गया, आप देखते रहना आगे भी ऐसी नहीं अच्छे हम लोग आएंगे इससे और क्या ही बोलूँ, आप वीडियो देख के समझ ही गए होगे। सो वही चलो मैं तो जल्दी नेक्स्ट